वार्ड 21 शांतिपारा में रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ने महिलाओं की बैठक में समाज सेविका सुमन त्रिपाठी उपस्थित हुई और महिलाओं से चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी लेकर मदद करने का आश्वासन जताया। वार्ड 21 शांतिपारा में क्षेत्र की महिलाओं की बैठक समाज सेविका और महिला उत्थान को लेकर कार्य कर रही सुमन त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सुमन त्रिपाठी ने महिलाओं से चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी ली। ज्यादातर महिलाओं ने सिलाई, कढ़ाई और मेहंदी आदि से जुड़ी रोजगार मूलक कार्यों की जानकारी दी। समाज सेविका सुमन त्रिपाठी ने उपस्थित महिलाओं से रोजगार से जुड़ने अन्य रोजगार मूलक कार्यों को लेकर चर्चा की और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी लेकर संसाधनों की अनुपलब्धता की जानकारी लगते ही समाज सेविका सुमन त्रिपाठी ने यथासंभव हर मदद करने का आश्वासन दिया और महिलाओं द्वारा किए जा रहे रोजगार मूलक कार्यों को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे सामानों की बिक्री और आय बढ़ाने के बारे में बताया। सुमन त्रिपाठी ने बताया कि सभी महिलाएं रोजगार से जुड़कर स्वावलंबी बने, ऐसी उनकी मंशा है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि इतना ज़्यादा उत्साह है और इतनी फिनिशिंग है इनके काम में। ये हाथ से बना रहे हैं, इसको कोई अच्छे से अच्छा बनाने वाला भी देखेगा तो आश्चर्य हो जाएगा उसको कि इतनी फिनिशिंग से काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इनको तो बिल्कुल प्रोत्साहन मिलना चाहिए और इनके लिए जो भी हो सके मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको इनके और काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करूं। इसी इच्छा को लेके मैं आज यहाँ आई और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। आज यहाँ देख के तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब कब से सीख रहे हैं और ज़्यादा दिन नहीं हुआ इनको, 8 से 10 दिन हुए हैं सीखते हुए। और उसके बाद में जब देख के इतनी खुशी है कि यानी कि बहुत लगन और मन से काम कर रहे हैं। आप देखिए इतनी छोटी सी जगह में भी सब इकट्ठे होके बैठ के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको थोड़ी सुविधाएं अगर ज़्यादा दे दी जाएं तो ये लोग कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि ये महिलाएं हैं। और मैं इसीलिए महिलाओं का बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि महिलाएं ही एक ऐसी, मतलब कहते हैं ना, प्रकृति ने उसको बनाया ही ऐसा है कि वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपना काम बखूबी निभा सकती है। और आज ये एग्जाम्पल है, ये मेरे पीछे जितनी औरतें बैठी हुई हैं, और मैं इसमें आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं इनके जीवन में एक पार्ट हूँ इनके जीवन में, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बैठक में क्षेत्र की महिलाएं काफी संख्या में उपस्थित थीं। महिलाओं ने स्वरोजगार मूलक कार्यों को करने की जगह की अनुपलब्धता के बारे में भी सुमन त्रिपाठी को बताया। गौरतलब है कि क्षेत्र की समाज सेविका राजू चंदा द्वारा भी सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर प्रशिक्षण आदि के संबंध में लगातार महिलाओं को जागरूक किया जाता रहा है। इसी के तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के अनेकों वार्डों में रोजगार मूलक कार्यक्रम राजू चंदा के नेतृत्व में जारी है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा उठाया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।